लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मंदसौर जिले के शामगढ़ में 6 दिन पहले कुछ लोग दिल्ली से कार से शामगढ़ आए थे, जिसमें एक 24 साल के युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ जाने पर उस क्षेत्र को अधिकारियों द्वारा रात में ही क्वारंटाइन कर सील कर दिया गया। उक्त युवक दिल्ली में रहकर संगीत सिखाने का कार्य करने की बात सामने आई है। वह 6 दिन पहले ही शामगढ़ अपने अंकल के यहाँ आया हुआ था। मंदसौर जिले पारली गाँव में 2 बार जाकर ताऊ जी के यहाँ रहकर आया था। उसके बाद कोरोना संक्रमित युवक उसकी पत्नी को शामगढ़ के नजदीक मगदावन गांव से लेकर आया था। हालांकि अधिकारियों द्वारा संक्रमित युवक की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। यह संक्रमित व्यक्ति विगत 6 दिनों से इस क्षेत्र में किस किस से मिला, उसकी जानकारी लेकर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद उसे और उसके साथ 4 लोगों को क्वारंटाइन कर उन्हें मंदसौर के सिद्धि विनायक हॉस्पिटल मंदसौर में भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। लक्ष्मण कॉलोनी वार्ड क्रमांक 8 का निवासी है। ये दिनांक 12 तारीख को दिल्ली से आया, 13 तारीख को इनका यहाँ पे सैंपल लिया गया फीवर क्लिनिक में और इन्हें होम क्वारंटाइन किया गया। उसके बाद 17 तारीख को इनकी रिपोर्ट आई, उसमें ये पॉजिटिव पाए गए। फिर इनके सारे कॉन्टेक्ट को ट्रेस करके उनको सबको क्वारंटाइन किया गया और इन्हें जो 24 साल के युवक हैं इन्हें सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया रात रात। कितने व्यक्ति हैं ये? एक ही व्यक्ति पॉजिटिव आया है, इनके कांटेक्ट में 15-16 व्यक्ति हैं, लोग हैं। ये दिल्ली से आया था और यहाँ का निवासी नहीं है, पारली गांव सीतामो तहसील का है। यहाँ रेलवे स्टेशन का आने जाने के लिए रुकने के लिए इसने किराए से मकान ले रखा था। इसके चाचा जी के यहाँ रह रहा था, कराया था और ये निकल गया था, फ़ोन मोबाइल बंद कर लिया था। फिर इससे चर्चा की गई, इसने बताया कि मैं पारली हुआ सीतामो में हूँ। इसी बात फिर वहाँ तलाश किया, फिर यहाँ पाया गया, इसको पकड़ लिया तो होम क्वारंटाइन के लिए वहाँ भेजते हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।